नेशनल हाईवे 121 है जो कि पौड़ी से रामनगर जाता है, और यहाँ पर आजकल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूर संचार की केबल होती है उसको यहाँ बिछाने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शायद संभवतः ये उत्तराखंड या देश का सबसे कंजेस्टेड हाईवे होगा, क्योंकि इसकी कई जगह पर चौड़ाई केवल 2 से 3 मीटर भी नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि जब इसमें बस गुजरती है या 2 बसें गुजरनी हो या एक टैक्सी और एक बस को गुजरना हो और यहाँ तक कि एक 2-व्हीलर को भी गुजरना हो तो उसको गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इस तरह का काम यहाँ पे होता है तो ये सड़क और भी कंजेस्टेड हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह रावत सर। ये जो यहाँ पे ये सड़क बहुत कंजेस्टेड हो गई क्योंकि ये कुछ अंदर कुछ तार वार बिछाते रहते हैं बार बार। जी जी जी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब रोड बिल्कुल बढ़िया बन जाती है तो ये कैसी फावड़ा लेके आते हैं। जी। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर कई लोगों के तो एक्सीडेंट हो चुके हैं, और ये जो भी काम हो रहा है कोई भी मानक पे नहीं होता है। ये पहले पूरी सड़क खोद देते फिर इसको बंद करते नहीं, पूरी खुले छोड़ के रखी हुई है ऐसी। कब से कर रखा है इन्होंने? सर ये हो गए होंगे कम से कम साल भर होने वाला है इसको। एक्सीडेंट कितने हुए इधर अभी इस तरह? एक्सीडेंट सर 3-4 तो हमारी गाड़ी वालों के टायर फट गए यहाँ पे। क्या शुभ नाम है आपका? भरत सिंह रावत है जी मेरा नाम। जी मैं BSNL में देखता हूँ यहाँ। ये रात को मशीन लगा रहे हैं यहाँ पे और बता नहीं रहे, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही इधर हर जगह तहसीलों में उसमें, और यहाँ पे पत्थर भी कई है रोडों पे, दिक्कत हो रही है आने जाने में लोगों को भी, और बिना बताए मशीन लगा देते रात। ये जो आप तो खुद BSNL से हैं, आपको पता होगा कि किस तरह से केबल बिछाई जानी चाहिए, क्या तरीका होता है इसका? हाँ जी, ये तो ये होता है कि जितना खुदाई करेंगे उतना दबाना भी है शाम को। और यहाँ पे तो ये है कि इन्होंने जगह जगह खोद रखा है, और खोद के कहीं कहीं तो एक महीना भी हो गया खुदा हुआ और पता नहीं चला। हमें भी दिक्कत हो रही है इसमें कि कोई केबल काट दे, कहीं कुछ हो जाए, कोई डैमेज कर दे, इसलिए जी दिक्कत आ रही है। जमील अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू का रहने वाला। अच्छा, ये जो केबल डाल रहे हैं आप इसकी रिलायंस की जी, इससे यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा हो रहा है आप लोग? बिल्कुल, यहाँ रोड बहुत कंजेस्टेड रोड है। हम भी ठेकेदार से बोल रहे हैं कि हमें मशीनरी दी जाए, जितने भी ये चट्टान है हम काटते हैं इसको, तो ब्रेकर लगा के वो कई दिन हमें ब्रेकर नहीं देता है, और हमारी लेबर 100 से ज्यादा है, तो ब्रेकर सिर्फ 2 रखे हैं ठेकेदार साहब ने, उसने कहीं उधर चोपड़ी में लगाया है वो भी खराब हो गया है, और यहाँ हमें ब्रेकर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इस लिहाज से ये जो है पूरी ट्रेंच जो है खुली पड़ी हुई है। स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ठेकेदार इस काम को करवा रहे हैं वो उनके बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर BSNL की केबल भी बिछी हुई है और उसको भी काट के तहस नहस कर दिया गया है। जागो उत्तराखंड के लिए NH 121 से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।